हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है द मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरू करते हैं द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आप देख रहे हैं एक डाइपोल है या मैग्नेटिक कंपास नीडल कह सकते हैं या मैग्नेट ले सकते हैं। ये इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। थीटा एंगल पे ये रखा हुआ है। तो हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेट है, लास्ट टाइम पे पढ़ा था हमने कि बार मैग्नेट सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है और हमने उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाला था कि बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को हम सोलेनोइड के मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और हमको ये भी मालूम है कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उस पर एक टॉर्क लगता है। कितना टॉर्क लगता है? दैट इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो सेम इसी तरह से, क्योंकि ये कॉइल की तरह ही बिहेव करती है, तो इस पर क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क ऑन द डाइपोल, इस डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा? दैट इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, या हम कह सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अगर लिखें तो एम बी साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, एम और बी के बीच का एंगल, ये वाला। ठीक है। तो अगर हम जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें डाइपोल की किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सेम जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। इतना टॉर्क लग रहा है तो पहले हम डी थीटा डिस्प्लेस करेंगे, उसके लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, फिर थीटा वन से थीटा टू के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा, तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमको, वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, दैट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, इतना वर्क करना पड़ेगा। अगर हमें निकालना है थीटा वन से थीटा टू के लिए, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, क्या करेंगे हम इसके लिए, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। द वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, या हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट्स थीटा वन टू थीटा टू, और वी कैन राइट एम बी इंटू माइनस कॉस थीटा टू एंड माइनस का ये आएगा प्लस कॉस थीटा वन, इतना वर्क करना पड़ेगा हमको थीटा वन से थीटा टू में शिफ्ट करने के लिए, रोटेट करने के लिए। जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो हम एक रेफरेंस पोजीशन लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। रेफरेंस पोजीशन कई बार इन्फिनिटी ले लेते हैं हम। आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब डाइपोल के लिए निकाला था तो हमने रेफरेंस पोजीशन क्या ली थी, 90 डिग्री। तो सेम इसमें लेते हैं, इफ रेफरेंस पोजिशन इज 90 डिग्री, इट मीन्स स्टार्टिंग में जो है वो 90 पे है और उससे हम जो है थीटा एंगल पे घुमाते हैं, जो सेकंड एंगल है वो थीटा है, 90 से लेके थीटा तक रोटेट करने में, क्योंकि 90 रेफरेंस पोजीशन है, कितना वर्क करना पड़ेगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वर्क निकालते हैं, कितना करना पड़ेगा हमको, एम बी कॉस थीटा टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा वन इज कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस एम बी कॉस थीटा, या हम लिख सकते हैं यही पोटेंशियल एनर्जी है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, या हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। आप देख रहे होंगे ऐसा ही हमारे पास एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में टॉर्क और फिर ये पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट पोजीशंस हम डिस्कस करी थी हमने पहले, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला केस लेते हैं, इफ थीटा इज 0, थीटा 0 है इट मींस एम इज पैरेलल टू बी। ठीक है। तो दोनों चीजें निकालेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टॉर्क कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, इट मींस माइनस एम बी। टॉर्क निकालें तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू
mb sin 0. It means torque is 0. Second case लेते हैं, theta is 90 degree. It means magnetic moment is perpendicular to magnetic field. Potential energy निकालेंगे तो minus mb cos 90. Cos 90 is 0, तो potential energy 0. Torque that is equal to mb sin 90. It means torque is mb. Sin 90 की value 1. Third case, if theta is 180 degree, it means m is anti-parallel to b, यानी कि b के anti-parallel या b के opposite है. तो उस केस में u कितना आएगा? Minus mb cos 180. Cos 180 की value minus 1, you will get plus mb. Torque देखें तो torque is equal to mb sin 180. Sin 180 is 0, it means torque is 0. तो इस केस में टॉर्क 0 है, कब? जब थीटा 0 है. इस केस में भी टॉर्क 0 है, when theta is 180. तो ये भी जो है, equilibrium है, और ये equation भी equilibrium की है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अगर हम potential energy देखें, तो इसमें potential energy कितनी है? Minus mb, इसमें कितनी है? Plus mb, इसमें कितनी है? 0. यहाँ पे potential energy क्या है? Minimum है. And therefore this is stable equilibrium. यहाँ पे potential energy maximum है. This is unstable equilibrium. हमने पहले भी पढ़ा था, stable equilibrium क्या होता है? जिसमें potential energy मिनिमम होती है. यहां से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं तो वापस अपने पोजीशन में आ जाती है. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं होती है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं इस पोजीशन से, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से, तो वो घूम के वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है. ठीक है, टॉर्क दोनों पोजीशंस में 0 होता है और 90 डिग्री पे टॉर्क जो है दैट इज मैक्सिमम. तो अगर हम इसे कंपेयर करें, जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का पढ़ा था, तो बिल्कुल सेम रिलेशंस आती है. व्हेन अ बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, फोर्स ऑन इट इज 0, नेट फोर्स इज 0, टॉर्क इज m क्रॉस b, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mb. जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था उसमें भी सेम केस था. इलेक्ट्रिक डाइपोल में फोर्स 0 था, टॉर्क कितना था? p क्रॉस e, और पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? दैट इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई. ठीक है, जहां पे हमने जो रेफरेंस पोजीशन है या जीरो कहां लिया है, एम इज परपेंडिकुलर टू बी. अच्छा, इसके अलावा जब डाइपोल को हमने फील्ड में रखा हुआ है तो हम इस फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. कैसे? इसको ऑसिलेट करा के. वैसे तो हमने फील्ड की वैल्यूज पहले भी निकाली हैं, हमने बायोट सेवर्ट लॉ से निकाली है और जो है एम्पियर्स लॉ से निकाली है फील्ड्स के वैल्यू. लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक नीडल को, कंपास नीडल को रख देंगे. ठीक है, अगर हमने उसको रख दिया है तो उसकी वो कैसे अलाइन होगी? इक्विलिब्रियम में, यानी कि वो ऐसे अलाइन हो जाएगी. ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजिशन है. अब अगर हम इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दें, इतने एंगल से, थीटा एंगल से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया है, तो क्या होगा? जैसे ही हम डिस्प्लेस करेंगे, एक टॉर्क इसकी तरफ ऐसे लगना शुरू हो जाएगा, जो कि इसको अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा. ठीक है, इसको हम रेस्टोरिंग टॉर्क बोल सकते हैं. सो इफ द मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड, या इफ द डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड by an angle theta, then restoring torque on it. कितना होगा restoring torque अगर हम निकालें? That will be equal to m b sin theta. इसमें m क्या है? Magnetic moment of this dipole. ये जो dipole हमने लिया है, चाहे हमने needle ली है, चाहे उसका जो है हमने bar magnet लिया है, उसका magnetic moment. ठीक है, और क्योंकि ये इसको अपनी रेस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस एम बी साइन थीटा. या हम लिख सकते हैं टॉर्क की जगह आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा. इसमें आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया.
अगर आपको याद आ रहा होगा कि हमने जो है 11th क्लास में रोटेशनल मोशन पढ़ा था, जिसमें कि टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आई इंटू एल्फा, और एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन, और एल्फा को हम क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी, और साइन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर हमने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, तो हमने थीटा स्मॉल लिया है, तो हम साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। अब ये इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो कि हमने लास्ट ईयर सिंपल हार्मोनिक मोशन में 11th क्लास में पढ़ी थी, कि अगर जो है एक्सलरेशन, ये एक्सलरेशन है, इफ एक्सलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट देन द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। यानी कि ये जो निडल है, अगर हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस करके और ऐसे छोड़ दिया है, ये जो निडल है इसको हमने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, तो क्या होगा, ये अपनी पोजिशन के दोनों तरफ ऑसिलेट करेगी, ऐसे इस तरह से ऑसिलेट करेगी, कैसे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और उसका हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर इससे हम कंपेयर करें, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, या हम कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू आई, सॉरी एम बी अपॉन आई स्क्वायर रूट। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना चाहें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा, यू विल गेट टू पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, स्क्वायर स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट b इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर i अपॉन m t स्क्वायर। तो अगर हमें इस जो हमने निडिल ली है, ये यानी डाइपोल लिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसका जो है हमको मैग्नेटिक मोमेंट पता है, तो हम इसको ऑसिलेट करा के इसका टाइम पीरियड नोट कर सकते हैं, और फिर हम उस पॉइंट पे बी की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। तो हमने मैग्नेटिज्म में बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से काफी कुछ मिलती जुलती है, जैसे कि हमने बी एक्सियल पॉइंट पे निकाला था और बी इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला था, कितनी वैल्यू आई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे माइनस का साइन लगाएंगे, m अपॉन आर क्यूब। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डाइपोल के लिए एक्सियल फील्ड निकाली थी और इक्वेटोरियल फील्ड निकाली थी। एक्सियल फील्ड की वैल्यू लॉन्ग डिस्टेंस पे कितनी आई थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन इट इज p 2p अपॉन आर क्यूब, and this one was minus 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r cube। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सिमिलरिटी है दोनों में, क्या कर रहे हैं हम रिप्लेस कर रहे हैं e को b से, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वहां पर हमने क्या लिख दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और जहां पे 1 upon epsilon naught था उसकी जगह हमने म्यू नॉट लिख दिया। तो हमें सारी इक्वेशंस जो है वो सिमिलर फॉर्म में मिल जाती है मैग्नेटिज्म के लिए। तो कंपेयर करते हैं हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लेते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसकी जगह यहाँ पर मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट ले लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मोमेंट लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, दैट इज पी, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज एम। डिफाइन दोनों को एक तरह से ही करते हैं हम, इसको हमने Q into 2L डिफाइन किया था, इसको हमने डिफाइन किया था पोल स्ट्रेंथ into 2L। इसमें जो इक्वेटोरियल फील्ड निकालते हैं दैट इज दिस वन, ये हमने लिखी है यहाँ पे, इक्वेटोरियल फील्ड इतनी होती है। मैग्नेटिज्म के केस में दिस वन केवल रिप्लेसमेंट है, म्यू नॉट की जगह 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और पी की जगह एम। एक्सियल फील्ड निकालते हैं शॉर्ट डायपोल की, दिस टू सिमिलर एक्सप्रेशंस। टॉर्क हम निकालते हैं तो पी क्रॉस ई, मैग्नेटिज्म में क्या जाता है, एम क्रॉस बी।
पी को हमने रिप्लेस कर दिया एम से और ई को रिप्लेस कर दिया डी से। एनर्जी निकालते हैं डाइपोल की, माइनस पी डॉट ई। अगेन पी को एम से रिप्लेस कर दिया और ई को बी से, तो वी गेट माइनस एम डॉट बी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। तो नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे एक टर्म विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे मिलती जुलती टर्म हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट यूनिट में डिफाइन करी थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, दैट वॉज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, या हम कह सकते हैं ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। तो बिल्कुल सिमिलरली हम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं किसी सरफेस के थ्रू इन मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई बी, इलेक्ट्रिक को हमने फाई ई से लिखा है तो इसको फाई बी से लिखेंगे। थ्रू एनी एरिया एलिमेंट डेल्टा एस इज डिफाइंड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड एरिया के इक्वल है और जो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है। तो ये हम देख रहे हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसमें एक इरेगुलर एरिया रखा हुआ है डेल्टा एस, और अगर हम जो है इसका वेक्टर ड्रॉ करें यानी कि परपेंडिकुलर टू डेल्टा एस, वी गेट दिस एरिया वेक्टर। और बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर हमें इस सरफेस में से फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा एस या बी इंटू डी एस कॉस थीटा, ठीक है। और ये किसके प्रोपोर्शन होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग द एरिया एलिमेंट। जितनी लाइंस क्रॉस हो रही हैं उसके इक्वल होता है। जितनी लाइंस ज्यादा होंगी, अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो यहाँ पर जो है फ्लक्स जो है उस एरिया का ज्यादा है, यहाँ पर निकालेंगे उस एरिया का तो कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लाइन्स क्रॉस करेंगी और यहाँ पर कम लाइन्स क्रॉस करेंगी। तो फ्लक्स जो है दैट इज प्रपोर्शनल, नॉट इक्वल, प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कटिंग द एरिया एलिमेंट, ठीक है। और थीटा हमने क्या लिया है, एंगल बिटवीन बी एंड डी एस। अब फ्लक्स को हम दो तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करके। अगर हम इसको ऐसे लिखें बी इंटू डी एस कॉस थीटा, बी को हमने अलग कर दिया, डेल्टा एस कॉस थीटा इधर कर दिया, तो डेल्टा एस कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया कह सकते हैं, कंपोनेंट नहीं प्रोजेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल टू बी। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी तरह से लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एस को अलग कर लिया हमने, बी कॉस थीटा यहाँ पे अलग ले लिया। अब बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, कैसे, परपेंडिकुलर टू द एरिया। अगर हम इसके दो कंपोनेंट्स करें तो ये बी कॉस थीटा होगा और ये बी साइन थीटा होगा। तो हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग नॉर्मल टू द एरिया मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं। जहां तक यूनिट की बात है, यूनिट हम इससे निकाल सकते हैं बी डॉट डी एस से, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी के लिए टेस्ला, इसके लिए मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर एंड इट इज कॉल्ड वेबर, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं या WB भी लिखते हैं कई जगह, वेबर। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ ये बहुत जाने पहचाना है आपका, पहले पढ़ चुके हैं हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस लॉ फ्लक्स रिलेटेड है, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस दैट इज ई डॉट डी एस, क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये हमने किस में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस लॉ। मैग्नेटिज्म में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्या, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है ये चार्ज एनक्लोज्ड होता है, चार्ज एनक्लोज्ड जो है अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू चार्ज एनक्लोज्ड प्लस क्यू होगा, अगर नेगेटिव है माइनस क्यू है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम चार्ज को रिप्लेस करें मैग्नेटिक चार्ज से यानी कि पोल स्ट्रेंथ से, तो सिंगल मोनोपोल, तो एक मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, पोल्स हमेशा जो है वो डाइपोल ही होते हैं, सिंगल हम जो है पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो यानी कि हम कहीं पे भी लें तो नेट जो मैग्नेटिक चार्ज है वो जीरो हो जाएगा। तो क्या होता है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, दैट इज द लॉ इन मैग्नेटिज्म, दैट इज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू बी डॉट डी एस
for any closed surface that is always equal to zero. That is the Gauss law in magnetism. आप इन फिगर से भी समझ सकते हैं ये किसकी है, बार मैग्नेट की फील्ड है और ये हमने लिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई है. यहाँ पर हमने एक एरिया लिया है ये, तो हम देख रहे हैं कि इसमें से कुछ लाइंस पास हो रही हैं. क्या हो रही हैं, जितनी एंटर कर रही हैं उतनी ही उससे बाहर निकल रही हैं. जो लाइन एंटर कर रही है वही बाहर निकल रही है. इसमें लेंगे तो भी वही बात होगी, यहाँ पर अगर हमने एरिया लिया है तो जो लाइन एंटर कर रही है वही बाहर निकल रही है, जो एंटर कर रही है वो बाहर निकल रही है, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा. ठीक है, इस केस में तो अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो जीरो हो ही जाएगा. लेकिन अगर हमने मान लीजिए ये वाला सरफेस लिया है, हम जो है ये सरफेस लेते हैं, ठीक है, इसका अगर हम निकालें कि इसमें जो है कितनी लाइंस पास हो रही हैं, तो हम देख रहे हैं जो लाइन ऐसे पास हो रही है इसमें एंटर कर रही है वो इससे बाहर निकल रही है, ये एंटर कर रही है ये बाहर निकल रही है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो लाइन एंटर कर रही है वो बाहर निकल रही है. जबकि अगर हम डाइपोल के लिए लें, तो अगर हमने ये सरफेस लिया है तो हम देख रहे हैं सारी लाइंस इससे बाहर ही निकल रही हैं, कोई भी इस लाइन इसके अंदर नहीं जा रही है, तो नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा. इस पे लें, ये सरफेस लें, तो क्या होगा, सारी लाइंस इसमें एंटर कर रही हैं, इधर से भी और इधर से भी, कोई भी लाइन इससे बाहर नहीं निकल रही है, तो इसमें भी फ्लक्स जीरो नहीं होगा. क्यों, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं, सिंगली एग्जिस्ट करते हैं. प्लस क्यू चार्ज अगर अलग कर सकते हैं, माइनस क्यू अलग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो है इसमें जो है डाइपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं सिंगली. दूसरा हम कह सकते हैं कि इसमें जो है क्लोज लूप्स बनते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे फॉर्म क्लोज लूप, जबकि इसमें क्लोज लूप्स नहीं बनते हैं. इसीलिए गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इज द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो. कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड 0.25 एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ दिस. गिवन क्वांटिटीज लिख देते हैं, थीटा इज 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.25 टेस्ला एंड टॉर्क इज 4.5 × 10⁻²⁰ जूल. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है हमको. टॉर्क इज इक्वल टू mb sin theta, or you can write 4.5 × 10⁻²⁰ is equal to m into 0.25 × sin 30, and the value of sin 30 is half. You can write m into 0.25 × half, or we get m is equal to 4.5 × 10⁻²✕2/0.25. इसको सॉल्व करेंगे, we will get 0.36 जूल पर टेस्ला. दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द शॉर्ट बार मैग्नेट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 जूल पर टेस्ला. एम इज गिवन 0.32 जूल पर टेस्ला. इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला. द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड. Which orientation would corresponds to its stable and unstable equilibrium? एक तो हमें इनकी orientation बतानी है कि कहाँ पर stable होगा और कहाँ पर unstable होगा. Then what is the potential energy of the magnet in each case? तो पहला केस लेते हैं, stable कब होगा? For stable equilibrium, theta should be equal to zero. या हम कह सकते हैं, the magnetic moment should be parallel to magnetic field. तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो कितनी होगी, माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री. इट इज इक्वल टू माइनस एम की वैल्यू है 0.32 और बी की वैल्यू है 0.15, कॉस 0 इज 1. सो मल्टीप्लाइंग वी गेट माइनस 4.8 × 10⁻². जो बी पार्ट लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए. अनस्टेबल कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट मींस एम इज एंटी पैरेलल टू बी, बी के ऑपोजिट है. इस केस में पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी इंटू कॉस 180 डिग्री. इट मींस माइनस 0.32
इंटू 0.15 इंटू कॉस 180 की वैल्यू दैट इज माइनस 1. सो वी गेट इट इज इक्वल टू प्लस 4.8 इंटू 10^-2 जूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला. मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है हमको. इज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला. तो m गिवन है और b गिवन है. m कितना है हमारे पास, m इज इक्वल टू 1.5 जूल पर टेस्ला. और b कितना गिवन है, b इज इक्वल टू 0.22 टेस्ला. और स्टार्टिंग में जो पोजीशन है उसकी थीटा 1 दैट इज 0 डिग्री. इट इज अलाइन टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो a पार्ट में क्या करना है हमको, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क to turn the magnet to align its magnetic moment, number one normal to the field and second opposite to the field. Starting position यही है. अगर हम इसको normal ले जाना चाहें 90 degree पे तब कितना work करना पड़ेगा, और दूसरा अगर opposite लेना चाहें 180 degree पे तो कितना work करना पड़ेगा. तो दोनों cases का हमको work निकालना है कितना होगा. तो first case में theta 2 हम कितना लेंगे, 90 degree. Work done, work done का formula क्या होता है, work is equal to mb cos theta 1 minus cos theta 2. ये हमने derive किया था अभी. तो m की जगह क्या लिखेंगे, 1.5, b that is 0.22 into cos 0, theta 1 0 है, minus cos 90. और cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, so we get, इसको multiply कर देंगे, we will get 0.33 जूल. तो पहले केस में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, 0.33 जूल फर्स्ट पार्ट में. सेकेंड में हमको क्या लेना है, थीटा 2 को 180 करना है. स्टार्टिंग पोजीशन यही है, थीटा इज इक्वल टू 0, हमको इसको एंटी पैरेलल करना है ऑपोजिट टू द फील्ड. तो अब वर्क डन निकालेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, वी विल गेट 1.5 इंटू 0.22 इंटू कॉस 0 माइनस कॉस 180. कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 180 की माइनस 1, और यहाँ भी माइनस का साइन है, तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 माइनस माइनस 1 will get 2. So it becomes 1.5 into 0.22 into 2. Or we get that is equal to 0.66 joule. तो work done जो है 90 degree turn करने के लिए इतना work करना पड़ेगा और 180 turn करने के लिए इतना work करना पड़ेगा. B part क्या है, what is the torque on the magnet in case 1 and 2? इस case में first case में torque कितना है, first case में जो है थीटा कितना हो गया था, 90, तब टॉर्क कितना है. सेकंड केस में थीटा कितना हो गया, 180, तब टॉर्क कितना है. तो टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क कितना होता है, एम बी साइन थीटा, एम बी इंटू साइन 90. एम कितना है, 1.5, बी 0.22, साइन 90 इज 1, सो टॉर्क इज दैट इज इक्वल टू 0.33 जूल, इतना टॉर्क लगेगा. सेकेंड केस में थीटा कितना हो गया है, 180. तो अब इस केस में टॉर्क कितना होगा, एम बी इंटू साइन 180, एंड साइन 180 दैट इज 0, सो टॉर्क इज 0. तो पहले केस में जो टॉर्क है इतना टॉर्क लगाना पड़ेगा जो हम इसको 0 से 90 पे ले जाएंगे. लेकिन सेकेंड केस में जो है वो टॉर्क कितना है, दैट इज टॉर्क इतना लगेगा जब ये 90 की पोजिशन में आ जाएगी, हमें जो है हमें फाइनल पोजिशन पे निकालना है. और सेकेंड केस में जो टॉर्क कितना है, जब 180 पे जाएगी दैट इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए क्लोजली वुंड सोलेनोइड ऑफ 2000 टर्न्स. गिवन क्वांटिटीज लिखते जाते हैं, n इज 2000 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 इंटू 10^-4 मीटर स्क्वायर. कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर. It's suspended through its center, allowing it to turn in a horizontal plane. First part is, what is the magnetic moment associated with the solenoid? इसका magnetic moment कितना होगा? तो बहुत easy है. Magnetic moment निकालना है, that is equal to N into I into A. और तीनों terms हमको पता है, N is 2000, I is 4 and A is 1.6, 10^-4. इसको multiply करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 1.28. और यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो दैट इज फर्स्ट पार्ट. बी पार्ट क्या है, व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क
ऑन दी सोलेनोइड। डी पार्ट में हमको फोर्स निकालना है और टॉर्क निकालना है, दो चीज निकालनी है। इफ इट इज इफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, कब अगर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है, कितनी 7.5 × 10⁻²⁺ टेस्ला, और किस डायरेक्शन में लगाई है, इज सेट अप एट एन एंगल ऑफ 30° विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। थीटा हमने कितना लिया है, 30°। ठीक है, तो इस केस में पहले तो नेट फोर्स जो रहता है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, नेट फोर्स एफ विल बी इक्वल टू जीरो, फोर्स तो कोई नहीं लगेगा इसमें। टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू एम हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 1.28, बी इज 7.5 × 10⁻², इंटू साइन 30, और वी गेट 1.28 × 7.5 × 10⁻², इंटू साइन 30 की वैल्यू हाफ। तो इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट 0.048 एंड यूनिट विल बी न्यूटन मीटर। सो द टॉर्क ऑन द सोलेनोइड दैट विल बी इक्वल टू 0.048 न्यूटन मीटर। और ये टॉर्क कैसे लगेगा, ये इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। ये जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था, इसके हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, बाय राइट हैंड थंब रूल। याद होगा आपको वो रूल, अगर हम राइट हैंड ले, उसके फिंगर्स जो है वो करंट के डायरेक्शन में है, तो थंब जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को शो करता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म की। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।